स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब भारत दुनिया का बनेगा मददगार, देश में 7 और वैक्सीन पर हो रहा है काम। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को दी नसीहत, कहा अपने फील्ड के अलावा कहीं भी बोलने से पहले बरते सावधान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राजस्थान, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे महापंचायत। कांग्रेस ने शुरू की विधानसभा उपचुनाव की रणनीति बनाना, सीएम अशोक गहलोत ने सहाड़ा सीट पर प्रमुख नेताओं से की बात। भारत में अब टीकाकरण के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि भारत की मदद से कई देशों में इन टीकों के जरिए टीकाकरण हो रहा है। भारत ने संकट काल में जिस तरह से पड़ोसी देशों और गरीब देशों की वैक्सीन देकर मदद की है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। हालांकि भारत का पूरी दुनिया में और डंका तब बजेगा जब 7 और वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएंगी। दरअसल भारत में अभी 7 और नए टीकों पर काम हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर देशी विदेशी सेलिब्रिटीज के बयानों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश के सेलिब्रिटीज जो स्टैंड लेते हैं उस पर बहुत से लोग तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर को सलाह दूंगा कि उन्हें किसी दूसरी फील्ड के बारे में बोलने से पहले सतर्क रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने किसानों के मुद्दे पर सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बयानों का जवाब सोशल मीडिया पर दिया था। इसमें सचिन ने देश के लोगों से एकजुट रहने की अपील की थी। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन है और आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत चरखी दादरी की महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत में जाने से पहले टिकैत ने किसान क्रांति 2021 का ऐलान किया। चक्का जाम के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि अब हमारा टारगेट 40,000 ट्रैक्टरों की रैली का है। 26 जनवरी को हमने दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टरों की रैली निकाली थी। उन्होंने अपील की कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर किसान क्रांति 2021 लिखे, इससे आप जहां भी जाएंगे आपका सम्मान किया जाएगा। टिकैत गाजीपुर पर दिल्ली NCR के उन किसानों से भी मिले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो धरनास्थल पर अपने खेतों से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और प्रदर्शन वाली जगह से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर वापस जाए। यूपी गेट पर आंदोलन स्थल पर किसानों को भी रुकने के लिए एक आधार कार्ड की कॉपी और 5 जमानती देने होंगे। यूपी उत्तराखंड में हिंसा के इनपुट मिलने पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कैंपों में रुकने वालों की पड़ताल कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम के दौरान ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ लोग हाथ में तिरंगा, किसानों का झंडा लेकर व कैंप लगाकर रास्ता रोकेंगे, फिर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए दोनों राज्यों में 5 जगह तोड़फोड़ की योजना थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को पार्टी के उन नामों में गिना जा रहा है जिन्हें इस पद के लिए चुना जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी इन नामों में आता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा में 15 फरवरी के बाद जम्मू और कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश के 4 ऊपरी सदन के सदस्य अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं। दिल्ली के ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में आज तड़के भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक देर रात 2:23 के आसपास ये आग लगी। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठ रही थी। सुबह का वक्त था, लोग अपने अपने घरों पर सो रहे थे। तभी अचानक शोरगुल मचा और घरों से बाहर आकर देखा तो काफी भीषण आग लग चुकी थी। सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों ने आग लगी देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूखी को केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया है। फारूखी पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप था। निचली अदालतों से बेल की अर्जी खारिज होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। मुनव्वर को जेल से दूसरे दरवाजे से सबकी नजरों से बचाते हुए रिहा किया गया। आशंका जताई जा रही थी कि मुनव्वर पर हिंदूवादी संगठन हमला कर सकते हैं। फारूखी के खिलाफ इंदौर में 1 जनवरी की रात FIR दर्ज कराई गई थी जिसमें उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस शासित राजस्थान में राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के साथ केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर महापंचायत करेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने कमर कस ली है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वो राहुल गांधी के किसानों के साथ महापंचायत कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे।
राज्य में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए नेताओं की टीमें बनाई जा रही है। इन टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने सहाड़ा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ संवाद बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई नेता शामिल थे। बैठक में सीएम गहलोत ने सीट जीतने के लिए सरकार की उपलब्धि जनता तक पहुंचाने और पूरी ताकत मैदान में जाने के निर्देश दिए थे। गहलोत ने यह भी कहा कि वे प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।